हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर वैली इंस्टीट्यूट। मैं हूं अभिषेक, स्वागत करता हूं आपका करियर वैली इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आप लगातार पढ़ाई करते जा रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप हमारे इस चैनल में अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जैसे ही मैं कोई अपना नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज का हम लोग जीवन परिचय जो सीखने वाले हैं वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा एक हमारी हिंदी की लेखक थी, बहुत ही महानतम व्यक्ति थी। तो चलिए आज उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट बने हुए हैं हमारे इस चैनल में, एक कमेंट जरूर कर दें। उससे क्या होगा कि जैसे अगर आपको कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। मैं उस चीज़ का सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि मुझे भी पता चल जाए कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर किसी अन्य चीज़ में हिंदी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो दुआ हो, छंद हो, किसी भी चीज़ में है, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए शूट कर दूंगा। तो आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं आज अपने आगे टॉपिक पर, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर। ठीक है, तो कुछ जान लेते हैं। मैं भी उनके बारे में भी मैं एक छोटा सा दोहा बताऊंगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा और थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी की थी, महारथी अनुपम लेखक, इनकी रचनाएं अनुवादित संपादित एवं है मौलिक। इनकी भाषा है चुस्त गठित, है तत्सम शब्द खड़ी बोली, भावों में गड़ाश्मय है विचारात्मक इनकी शैली। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ छोटा सा दोहा जो हर लेखकों के ऊपर लागू हो जाता है, जो उनके थोड़े से हाव भाव में आपको समझ में आ जाता है। तो ये जरूर अपने एग्जामिनेशन में लिख दीजिए, ब्लैक पेन से लिखेंगे अच्छी से हेडिंग डाल के, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मतलब जन्म सन के बारे में, तो हमारी महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईसा को हुआ था, फरुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फरुखाबाद, यूपी में फरुखाबाद में हुआ था। और इन्होंने कुछ अपने जीवन काल पे, जो अपने जीवन काल में पुरस्कार अर्जित किए, उनके पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेक्सपीरिया, मंगला प्रसाद, ज्ञानपी से परिशोधित थी हमारी महादेवी वर्मा। इनकी माता जी का नाम जान लेते हैं। इनकी माता जी का नाम था हेम रानी वर्मा। ठीक है, इनके इनके पति का नाम जान लेते हैं। इनके पति का नाम था श्री स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी मृत्यु प्रयाग में हुई थी सन 1987 ईसा को। ठीक है, तो ये था हमारे महादेवी वर्मा का छोटा सा जीवन परिचय। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप लिख रहे हो तो बिलीव कीजिए कि आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं जितना ही शॉर्ट में बताता हूँ उतना ही इंक्लूसिव और उतना ही इम्पोर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लगातार देखते रहें और एक बार इस तरीके से भी अपने एग्जामिनेशन में लिखें। बिलीव करिए आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। एक हमारे विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी भी एक रचना अशोक के फूल है और महादेवी वर्मा जी की भी एक रचना अशोक के फूल ही है। तो आप एक रचना का नाम जब पूछा जाता है तो आप अशोक के फूल आराम से लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो लेखक के ऊपर एक दोहा बोला जाता है, तो आपको जो मैंने पिछले अपने उसमें जीवन परिचय में जो दोहा बताया, जैसे क्या मैंने दोहा बताया था, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज रोज खिला करते, नित नित अगणित प्रसून मिट्टी में रोज मिला करते, जिसने निज आभा के द्वारा ये किरण जाल फैलाया है, ये इन्हीं का जीवन परिचय है, जिसने साहित्य गगन चमकाया है। तो ये जो मैं जीवन परिचय आपको बताता हूँ, सॉरी, ये जो मैं आपको दोहा बताता हूँ इसको भी आप सुंदर से ब्लैक पेन से लिखेंगे तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। नहीं तो अगर मैं आपको, अगर आप कोई और दोहा भी सीखना चाहते हैं तो मैं एक दोहा आप और अच्छा सा बता देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा और आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो वो भी लेखकों के ऊपर ही एक सुंदर सी पंक्ति है चार लाइन की, जो कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। वो क्या है, दूर कहीं पे बजते घुंघरू या पायल करते अभिनंदन, लेखक की लेखन शैली को बार बार करते हैं वंदन। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट
जरूर करें। जो लोग न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग रेगुलर हमारे चैनल में बने हुए हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, क्योंकि पढ़ाई भी इस समय बहुत ज़रूरी है।